जहां एक तरफ इजराइल में आपातकाल लागू कर दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भारत से एक अलग ही डिमांड रख दी है। क्या इस डिमांड से रूस टेंशन में आएगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने लेबनान में स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना की तरफ से हिजबुल्ला की इजरायली क्षेत्र की तरफ मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी का पता चलने के बाद हमला शुरू करने का फैसला लिया गया है। इजरायली सेना की तरफ से जारी बयान में चेतावनी दी गई है कि हिजबुल्ला की तरफ से की गई कार्रवाई से तनाव बढ़ने और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना है। वहीं तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इजराइल ने 48 घंटों के लिए देश में आपातकाल लगा दिया है। वहीं हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने इजराइल पर 320 रॉकेट दागे हैं, जिसमें इजराइल के 11 उत्तरी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्ला आतंकी समूह का कहना है कि उसने पिछले कुछ घंटों में उत्तरी इजराइल पर 320 से ज्यादा रॉकेट दागे, साथ ही कई विस्फोटक से लदे ड्रोन भी दागे हैं। हिजबुल्ला की तरफ से जारी एक बयान में दावा किया गया कि उसने उत्तरी इजराइल में 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ऑनलाइन प्रसारित एक वीडियो में हिजबुल्ला का ड्रोन उत्तरी इजराइल में एक राजमार्ग पर हमला करते हुए दिखाई दिया। इससे पहले हिजबुल्ला ने कहा था कि वो पिछले महीने IDF हमले में अपने सैन्य कमांडर फुआद सुकर की हत्या का जवाब देना शुरू कर रहा है। हालांकि हिजबुल्ला ने आज सुबह IDF के हमले का जिक्र किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह हिजबुल्ला के हमले में लेबनान से दागे गए रॉकेट ने पश्चिम गलेली समुदाय के मनोट में एक मुर्गी घर को निशाना बनाया है। रॉकेट हमले से लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मी काम कर रहे हैं। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लिपिड ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो उत्तरी इजराइल में IDF के अभियान मजबूती से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमला करने की किसी भी प्रयास का IDF और सुरक्षा प्रणाली के क्षमताओं पर भारी असर पड़ेगा। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने बेरूत में एक वरिष्ठ कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाइल बैराज लॉन्च किया है। गोलन हाइट्स में एक मिसाइल हमले में 12 युवाओं की मौत के बाद कई हफ्तों तक इजराइल और हिजबुल्ला के बीच मौजूद तनाव अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हिजबुल्ला ने कहा है कि उसने अपने कमांडर फुआद सुकर की हत्या करके जवाब दिया है। हिजबुल्ला के मिसाइल हमलों के जवाब में इजरायली जेट ने लेबनान में कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद इजराइल के कुछ एयरपोर्ट से उड़ानों को फिलहाल के लिए सस्पेंड करते हुए 48 घंटे का आपातकाल लागू कर दिया है। वहीं इजराइल ने देश के नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच उस वक्त तनाव भड़का है जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए काहिरा में बातचीत चल रही है, जिसके मुताबिक इजराइल और हमास के बीच कैदियों और बंदियों की अदला बदली के लिए किसी भी पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षा परिषद के साथ बैठक कर रहे हैं और रक्षा मंत्री ने 48 घंटे के लिए विशेष स्थिति घोषित की है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला की तरफ से किए गए हमलों पर चर्चा की है। पेंटागन ने कहा कि फोन कॉल के दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने इजराइल की सुरक्षा और क्षेत्र में ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा प्रॉक्सी द्वारा की गई किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ खुद का बचाव करने के उसके अधिकार के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन को दोहराया है। रीड आउट में कहा गया कि सचिव ऑस्टिन ने ईरान और उसके क्षेत्रीय भागीदारों द्वारा प्रॉक्सी किए गए किसी भी हमले के खिलाफ मजबूती से साथ देने की बात कही है। इजराइल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता सीन सेवेट ने कहा है कि उनके निर्देश पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी अपने इजरायली समकक्षों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा है कि हम इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते रहेंगे और हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करते रहेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के राजनयिक इजराइल और लेबनान में कई राजनयिक मिशनों पर शामिल रहे। उनका मकसद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करना है, क्योंकि वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि स्थिति एक बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है कि यदि स्थिति और बिगड़ती रही तो ये युद्ध अमेरिका और ईरान को भी खींच सकता है, जिससे मध्य पूर्व में पहले से ही नाजुक भू राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल हो सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से PM मोदी निकल चुके हैं और घर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर अभी भी जो पत्रकार वगैरह हैं
उनको जवाब देते नजर आ रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। सिद्धांत सिब्बल एक जाने माने पत्रकार हैं, वियोन के पत्रकार हैं। इन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिस वीडियो में जेलेंस्की कुछ कहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेलेंस्की ने क्या बोला। जेलेंस्की ने ये बोला है कि हम आप बड़े देश हैं, इंडिपेंडेंट देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, इसलिए हम आपको तेल को लेकर तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तेल रोकना न रोकना आपका अपना फैसला होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपके साथ टाई अप करें, हम आपके साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करें। और इनमें मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्होंने नाम किसका लिया है, ड्रोन का लिया है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स का लिया है। पर इनकी बातों को अगर सुनेंगे आप तो इनकी बातों में अस्पष्ट एक चीज झलकती है, और वो चीज ये झलकती है कि इन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो प्रोडक्शन होगा ये दोनों देशों के लिए होगा, यानी आप भी इस्तेमाल करिए और हम भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे आपको बता दूं, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रणनीतिक चीज इन्होंने छोड़ा है जो रणनीति भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। भारत अगर इस प्रोडक्शन में घुसता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि फिर रूस के खिलाफ उन ड्रोनों का इस्तेमाल यूक्रेन करने लगेगा। वैसे आपको बता दूं, जहां तक बात यूक्रेन के साथ क्या कोई पहली बार डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है या ऐसा कुछ होने की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 2021 की ही ये बात है, तब तो लड़ाई भी शुरू नहीं हुई थी, तब भी यूक्रेन भारत से हथियारों को खरीदना चाहता था। और दूसरी बात, एक चीज और देखिए, भारत ने भी अपने वॉरशिप्स के लिए गैस टरबाइन, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स और इंजन यूक्रेन की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच संबंध पहले नहीं रहे हैं, संबंध पहले से रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब भारत अगर ड्रोन में दोनों को साथ आता है और साथ प्रोडक्शन करता है तो इसका असर रूस पर क्या पड़ेगा। अब ये मामला भारत के लिए थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। क्या भारत सचमुच में हाँ बोलता है या नहीं बोलता है? अभी तो सीधे सीधे ये देश युद्ध में है, ऐसे में हाँ बोलना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि यूक्रेन ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत की कंपनियां हमारे यहाँ आए, हमारी कंपनियां आपके यहाँ जाए, और हम चाहते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट्स को हम खरीदें। पर ये सारी चीजें वास्तविकता में अगर जमीन पर उतरती हैं तो ये कितना फलदायी होंगी वो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को जेलेंस्की के साथ इस तरीके की डील करनी चाहिए, और क्या इस डील से रूस दुखी नहीं होगा? वैसे अभी तक एक चीज हुई है, 155 mm का हथियार मिला है और ये यूक्रेन की सेना इस्तेमाल करती हुई मिली है। हालांकि भारत ने भी इस मामले में साफ कर दिया था कि यूक्रेन को ऐसा कुछ बेचा नहीं गया है, लेकिन दुनिया भर में भारत बारूद बेच रहा है, इस तरीके के गोले बेच रहा है, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी के जरिए यूक्रेन पहुंचा हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।